जी छठ पर्व पर देख रहे हैं बहुत भीड़ लगी हुई है और नगर पालिका द्वारा किस तरह की व्यवस्था की गई है? हमारे नगर पालिका की व्यवस्था जो है आप लोग देख रहे हैं, साफ सफाई, बिजली, सब कुछ की व्यवस्था हमारी नगर पालिका की तरफ से की है। और दिनों की अपेक्षा आज आप देखेंगे तो कम से कम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको साफ सुथरा पानी मिल रहा है, साफ सुथरे चबूतरे मिल रहे हैं, लोग पूजा कर रही हैं, पाठ कर रही हैं। और छठ तो अब खास तौर से बिहार में ही नहीं लेकिन अब तो पूरे भारतवर्ष में, महाराष्ट्र तक और हमारे बंगाल तक छठ पूजन होने लगा है। तो हम लोगों ने, नगर पालिका ने महिलाओं को खास ध्यान में रखते हुए कि किसी प्रकार की किसी को कोई कष्ट न हो, उनके सुविधा अनुसार मैंने सारा कुछ आयोजित किया। रात में यहाँ पे महिलाएं काफ़ी संख्या में रुकेंगी और किसी तरह के जी नहीं, इसके लिए मैंने पुलिस विभाग से बातचीत कर लिया है। पर्याप्त मात्रा में यहाँ पुलिस 24 घंटा रात तक, यानी आज शाम से लेकर के जब तक ये पूजा होगा, पुलिस का गश्त रहेगा। यहाँ एक चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर के लेवल का आदमी, 4 समुराई सिपाहियों के साथ उसकी ड्यूटी यहाँ लगी रहेगी। कोशिश 100% होगी किसी तरह का दुर्व्यवहार न हो, और न होगा। आपके नगर पालिका कर्मचारी भी यहाँ पे सुरक्षा में रहेंगे? हमारे नगर पालिका कर्मचारी 4 कर्मचारी रहेंगे, जो गंदगी वगैरह होगी तो उसको तुरंत उसको सफाई करते रहेंगे।